हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम क्लास 12 की फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। देन स्टार्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12, यूनिट 1, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। Electrostatics is come from electromagnetism, which have two branches. First, electrostatic, and second, electrodynamic. In electrostatic, charge at rest. In electrodynamic, charge at motion. In this chapter, electrostatic, study about charge at rest. It means for the point charge. When charge at motion, then study in the electrodynamic. Second thing is, what is electric charge? In 600 BC, some philosopher, some scientist tell that when two stone are rubbed each other, then it has property of attraction. But in the modern time, electric charge is a fundamental, it is a fundamental property of matter. It is a intrinsic property. It is intrinsic property of matter. Just like mass. Second thing, it is a basic property of electron, proton and some subatomic particle. Electric charge, it is a intrinsic property, it is a pure property, just like mass. Inside the charge, no matter is possible. Inside the mass, no matter is possible. But the first thing is that charge, which have some formula, which Q equal I T. Q equal I T, that is quantity scalar. It is not obey vector addition law. It is obey only algebraic sum. Its unit ampere into second or Coulomb. Now, how many types of electric charge? Note kar le, pause karke note kar le.
types of charge. It has two types. First is positive charge, and second is negative charge. When two stones are rubbed each other, are collide each other, then some electrons transfer from one stone to second stone. इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांसफर कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इट हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जिसको इलेक्ट्रॉन मिला है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो क्या हो जाएगा? Excess of electron. But second thing is that keep glass rod, when glass rod rubbed with the silk, then silk have property of attraction. When silk have प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. इसका मतलब हुआ ना, सिल्क हैव नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड हैव पॉजिटिव चार्ज. इन सेकेंड थिंग, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज? व्हेन प्लास्टिक रॉड और एबोलाइट रॉड rubbed with dry air, then it becomes charged. When it comes near of piece of paper, then it has property of attraction. अगर हम किसी प्लास्टिक रॉड को लें और उसको ड्राई हेयर से रब करते हैं, या उसको कैट स्किन से रब करते हैं, तो उसमें चार्ज आ जाता है. अगर उसी को पीस ऑफ पेपर के पास लाते हैं, तो जो पीस ऑफ पेपर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. इसका मतलब है कि प्लास्टिक रॉड में एक्सेस चार्ज आ गया, एक्सेस चार्ज हो तो प्लास्टिक रॉड में कौन सा आएगा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. और पीस ऑफ पेपर वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन डेली लाइफ. यू कैन एक्सपेरिमेंट इन द डेली लाइफ. टेक अ बलून एंड रब्ड विथ हेयर, तो क्या होगा? वो बलून आपके हेयर में चिपक जाएगा. इससे मालूम चल जाएगा कि इसमें चार्ज है कि नहीं. इतनी बात को आप समझ सकते हैं. अब आया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज? चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है. तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? रफ करते हैं, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज? Who is responsible for charge? The answer is electron. Who is responsible? Hoga? Electron. Second thing, the body can charge by three types of method.
First, conduction. Second, friction. Third, induction. कंडक्शन में क्या आया? आप इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप जानते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजरिंग द चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक मेटल बॉल होती है, एक रॉड होती है, उसी रॉड में आप एल्युमिनियम का फॉइल लगा दीजिए, फिर आप एक बलून को लें, उस बलून को हेयर में रब करके जैसे ही आप उसके पास ले जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि वो क्या प्रूव करेगा? कंडक्शन। फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कहते हैं कि दो बॉडी लो, आपस में उसको रगड़ो, तो हम जब हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है किसी एक से कुछ हीट निकलकर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दूसरे में चली। तो व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड ईच अदर बाय द फ्रैक्शन देन इट विल आल्सो प्रोड्यूस चार्ज। थर्मल इंडक्शन, हमने एक रॉड ली कि बिफोर चार्जिंग ठीक, इसके पास फिर मैंने एक रॉड ली, उसके बगल में एक नेगेटिव रॉड रख, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर करा आफ्टर चार्जिंग, चार्ज डाला, आफ्टर चार्जिंग चार्ज प्लस अंदर आ गया, इसके अगेंस्ट में क्या आया? माइनस। इसी को हम अर्थ से ऐड कर रहे तो नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा? अर्थ में। This is the property of induction. ये किसकी property है? Induction. Induction are mainly two types: self induction and mutual induction. Self induction and mutual induction हम पढ़ेंगे electromagnetic induction के chapter में। तो अभी हम इतना ही जानते हैं। अभी आप इतना ही जानते हैं, आगे फिर बताएंगे। अब उनसे पूछ सकता है कि चार्ज और मास में, आपने कहा कि चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक मास, तो चार्ज और मास में कुछ कंपैरिजन नहीं होगा, बोथ आर इंट्रिंसिक। चार्ज क्या ऑब्वियस करता है? इनवर्स स्क्वायर। चार्ज किसके रूल का ऑब्वियस करता है? इनवर्स स्क्वायर का। और मास भी ओबे करता हूं। तो चार्ज सिमिलरिटीज है मास में, चार्ज और मास दोनों कैसे हैं? दोनों में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बट डिफरेंट बॉडी हैव डिफरेंट मास। सभी बॉडियों के लिए मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। सेकेंड थिंग की हम बात करें, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? साइंटिस्ट मिल्कम इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट He given a theory of quantization. In the quantization, the electrons which are situated outer of nucleus,
It is also a form of bundles or packet. क्या हम कभी भी ऐसा होता है कि एक कप मिल्क लेने जाए, एक ग्लास मिल्क लेने जाए, हम एक पैकेट लाते हैं। अगर आपसे घर पे कहा जाए कि 3 लीटर हमको मिल्क चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप पैकेट्स लाएंगे। वो पैकेट्स किसके टर्म्स में होंगे? जो मिल्क का स्मॉल अमाउंट का पैकेट आता होगा उसके मल्टीपल में आ जाएगा। इसका मतलब क्वांटाइजेशन क्या है? मिल्कन ड्रॉप ऑयल मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट शो करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज अ नेचुरल रूल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या दिखाया गया है कि चार्ज ऑफ पार्टिकल चार्ज ऑफ बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज ऑफ बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? द चार्ज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल such as electron or proton. Elementary charge क्या है? Elementary charge E क्या है? Charge of smallest particle. उसको elementary charge कहते हैं। कितना charge? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज है ये, चार्ज की जो क्वांटिटी है इसके मल्टीपल में हो, ई टू ई थ्री ई या एन ई। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर कैसे बंडल्स होंगे, 1e के फॉर्म में, 1e 2e। इट इज नॉट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? द चार्ज ऑफ बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज द चार्ज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्यू इक्वल एन। गिव एग्जांपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। It is observed in the Millikan oil drop experiment. It is a natural law. एक नंबर एक पूछा जाता है किसके बेसिस पे वर्क करता है, तो Millikan oil drop experiment के बेसिस पे वर्क करता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लिख लीजिए, पैराग्राफ कर दो, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर से यदि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, का चार्ज ऑफ बॉडी इस मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज द चार्ज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय मिलिकन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय मिलिकन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन given by Millikan. एक एग्जाम्पल देखते हैं।
how many mega coulomb of positive or negative charge are present in two moles of neutral hydrogen gas. वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर ली. तो हम पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें कि ना हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन H2 गैसेस. देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन H2 गैस ऑफ 2 मोल कितना हो जाएगा. कितना 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर. अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज 2 m. 10 2 2s are 4 0 2 6 are 12 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स n. लेकिन H2 गैस यहां पर H2 में अगर हम बात करें तो अभी हमने H के लिए 1 मोल के लिए बात की क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है. H2 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2. तो फॉर्मूला इज कॉलोनी n. ये तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. तो 2 के लिए 2 × 12.04 × 10³ इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻¹. दैट इज क्यू इक्वल. इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें तो 0. आपको सॉल्व कर लें, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. जितना भी आएगा यहां से भी आएगा उसको मेगा कूलम में कन्वर्ट करना होगा. ठीक. सेकंड एग्जांपल देखिए, पॉज करके भी नोट कर. नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन, संख्या ज्यादा हो गई. अब संख्या ज्यादा किसमें हो गई? सोचिए, पॉलीथीन रब्ड विथ वुड इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻¹.
estimate the number of electron transfer. Number of electron transfer. The number of electron ke liye formula Q equal Ne Q 3 into 10 की पावर माइनस 7 नंबर ऑफ एन फाइंड करना है e 1.6 10 की पावर माइनस 19 n इक्वल 3 into 10 की पावर माइनस 7 तो 3 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 7 into 10 की पावर प्लस 19 0.02815 तो 15/8 into 10 की पावर 12 8 कौन जा 8 सॉल्व कर लें 1.875 70 हो गया तो 8 × 64 into 10 की पावर 12 तो किससे किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो पॉलीथीन रब्ड विद वूल जब पॉलीथीन को वूल से रब्ड किया इस फॉर्म टू है नेगेटिव चार्ज तो वूल में कितना चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज इसका मतलब है कि पॉलीथीन से वूल में ट्रांसफर हो गया ठीक है इसी को हम मास ट्रांसफर भी निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द मास ट्रांसफर सेकंड न्यूमेरिकल में क्या रहा है बी पार्ट में क्या रहा है द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन ठीक तो वूल टू पॉलीथीन तो कैसे बनाएंगे इसको एन इक्वल Mn से ठीक m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूला है किसी का मास निकालने के लिए जैसे ही क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्यू इक्वल एन होता है वैसे ही कैपिटल एन इक्वल एम एन होता है m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n क्या है नंबर्स तो नंबर अभी आपने निकाल लिए हैं तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू एन एन क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 12 इसको सॉल्व कर लें तो आंसर इज 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 18 केजी ठीक है बात समझ में आ गई कैसे करना है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था उसको ध्यान से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए हटा दें फिर आया क्वार्क क्वार्क क्या है करेक्ट क्वार्क इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ फिजिक्स क्वार्क इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन द क्वार्क द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो फॉर्म इन द फ्रैक्शनल नंबर क्वार्क इज थ्योरी फॉर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन साइड द न्यूक्लियस It is found to the nucleus, proton and neutron by the strong nuclear force. तो quark है क्या? Quark is a fundamental particle. It is also a fundamental property which is bound to the nuclei for proton and neutron. It is studied in the particle physics. इसको हम लोग particle physics में पढ़ते हैं क्वार्क कई टाइप्स होते हैं मेनली इट है क्वार्क है सिक्स टाइप्स क्वार्क क्या है इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ फिजिक्स
it bound proton and neutron in nuclei by strong nuclear force. हमने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस में होते हैं. फिर भी कुछ लोग इस फॉर्मूले को Q इक्वल प्लस माइनस एन ई के तरीके यूज करते हैं. हमने कहा Q इक्वल वन ई टू ई थ्री ई एन ई. यहां पर फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं, लेकिन यहां पर 0.5e, 1.2e, 3.7e सच है, फ्रैक्शनल नंबर होंगे यहां पर. इसके फ्रैक्शनल नंबर होने के बाद इसके सिक्स टाइप हो गए, अप डाउन चार्ज, टॉप बॉटम एंड सिक्स इज स्ट्रेंज. इट हैव सिक्स टाइप. क्वार्क को कुछ अलग अलग बुकों में डिफरेंट टाइप के मेथड से यूज कर देते हैं. इसका सबसे मेन पार्ट इसका पार्टिकल फिजिक्स में आएगा. क्लास 12 के लेवल में भी इतना ही है, आप इसको जाएं. ये पाउली के रूल पे भी चलता है. आप केमिस्ट्री में आपने पाउली का रूल पढ़ा होगा, स्पिन नंबर प्लस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू. तो कभी कभी पाउली के रूल को भी डिनोट करता है. इसमें पाउली का रूल भी माना जाता है. स्पिन नंबर प्लस वन अपॉन टू है तो इसको अप, माइनस वन अपॉन टू है तो डाउन. चार्ज है, बॉडी चार्ज में है तो चार्ज न्यूट्रल. ठीक, ऐसे कई टाइप यूज कर सकते हैं. तो ये क्वार्क नोट कर लें. फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आप लोग पढ़ते रहे चार्ज नॉर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज कन्वर्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड स्टेज. चार्ज क्या है जिसको ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बदल सकते हैं. इसी को चार्ज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट. टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए. Q इनिशियल इक्वल होना चाहिए Q फाइनल. जैसे मैंने एक इंसुलेटिंग बॉक्स लिया, उसमें तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे, इनका चार्ज 2e, 3e, माइनस 4e. ए सिचुएशन में हमने नाम दे दिया Q1, Q2, Q3. फिर सेकंड में एक दूसरा बॉक्स लिया, चार्ज एक में 3e आया, ये Q1 डैश है, एक में 4e आया, ये Q2 डैश है. पूछ रहा है कि Q3 डैश की वैल्यू क्या है, हमको क्या चाहिए. वैल्यू ऑफ Q3 डैश. तो हमने कहा टोटल चार्ज ऑफ एन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट. Q इनिशियल इक्वल टू फाइनल, जो जितना
इनिशियल का टोटल चार्ज होगा उतना ही टोटल चार्ज फाइनल होगा। इनिशियल चार्ज की बात करें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश। वैल्यू पुट करें 2E 3E माइनस 4E, 2E 3E माइनस 4E इक्वल 3E प्लस 4E प्लस Q3 डैश। कितना आया 5E माइनस 4E E हो गया, 3 4 7 E माइनस 7E इक्वल Q3 डैश, तो Q3 डैश इक्वल माइनस 6। तो Q3 डैश की वैल्यू क्या है माइनस का 6। टोटल चार्ज या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। चार्ज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। बात को समझ गए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जीरो भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई वैल्यू कह दिया जा रही हो, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जीरो भी आ सकता है। हटा दिया जाए इसका एग्जांपल एक न्यूमेरिकल करेंगे कैसे। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर वन दैट हैज इनिशियल चार्ज, वन दैट हैज इनिशियल चार्ज प्लस टू एंड द अदर इज इनिशियली अनचार्ज एंड अदर इज इनिशियली अनचार्ज एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट brought in contact. First part, what is the new charge on the each sphere? What is new charge on each sphere? So, that is correct. Two identical कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें से एक का चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा वाला बॉक्स स्फीयर अनचार्ज। करा दोनों को कांटेक्ट में लाएं तो बताइए कि अब दोनों में नया चार्ज क्या होगा। तो ये ए है और ये बी, इसका चार्ज प्लस क्यू है और इसमें कोई चार्ज नहीं, ठीक न्यूट्रल जीरो। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे तो इसका कोई चार्ज इसमें भी चला जाए क्योंकि बीच में कोई इंसुलेटिंग वॉल तो बोला नहीं, कंडक्टिंग है। दोनों को साथ में लाएंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो चार्ज डिवाइड होकर कितना हो जाएगा नेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना हो जाएगा क्यू प्लस जीरो बाई टू, ये आधा स्क्वायर भी हाफ स्क्वायर कितना हो जाएगा क्यू बाई टू। दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाई टू। ऐसे थर्ड चार्ज होता और तीनों को कांटेक्ट में ले आते तो यहां पर भी वही सिचुएशन करते जैसे इसके साथ किया, ठीक है बात कंफर्म है। अब रफ कर दिया जाए
चार्ज की थ्योरी को कुछ पॉइंट्स डाले, टू लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर, सेकेंड टू अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, थर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा देख लीजिए। टू लाइट चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, टू अन लाइट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आज इसी रिपल्सन और अट्रैक्शन के फिनोमिना को कुलाम, साइंटिस्ट कुलाम ने बनाया। कुलाम ने देखा कि टू बॉडीज विच हैव सेम चार्जेस इट हैव रिपल्सन, टू बॉडीज विच हैव अपोजिट चार्जेस इट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। That phenomenon of repulsion or attraction, that is called Coulomb force. इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, Coulomb force के नाम से बोल सकते हैं। Coulomb force देखिए ना, हमने कहा दो बॉडी, एक का चार्ज Q1 है और दूसरे का चार्ज Q2 है, इनको r डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया। अब वो r डिस्टेंस पे जब सेपरेट किया गया तो इस पर Q1 का चार्ज, टू लाइट चार्ज इज रिपल, इसका फोर्स कहां चला जाए, आउटसाइड, ये भी रिपल करेगा तो इसका फोर्स भी कहां चला जाएगा, आउटसाइड। तो कह रहा है रिपल्सन और अट्रैक्शन में ये क्या बना रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बना रहा है। तो क्या है, व्हेन टू चार्जेस ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू आर अरेंज एट द डिस्टेंस ऑफ आर, Q1 and Q2 both are point charge. What is point charge? एक बड़ी सी बॉल है उसमें चार्ज है, उसको मैंने 100 मीटर की दूरी पर रखा दूसरे से, तो जो दूसरा वाला उस बॉल को देखेगा उसको वो तो छोटी सी दिखाई पड़ेगी, इसका मतलब वो उसके लिए पॉइंट चार्ज का वर्क कर रही है। इट इज अ स्टेशनरी चार्ज, बोथ चार्ज आर स्टेशनरी। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट पे हैं, चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है। तो फिनोमिना क्या बनाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली proportional to both magnitude of charge and proportional both magnitude of charge of product and inversely of square of distance। इन दोनों चार्जेस को मैंने एयर में रखा है, हो सकता है मीडियम भी हो जाए,
मीडियम के होने से फोर्स में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा उसको बाद में जानेंगे। तो क्या मैग्नेटिक टू चार्जेस q1 एंड q2 आर अरेंज एट द डिस्टेंस ऑफ r, q1 एंड q2 बोथ आर सेम चार्ज, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ रिपेलर रिपल्सन f1 एंड f2। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इट मींस एफ प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, एफ दैट इज कूलॉम फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। तो F इक्वल कॉन्स्टेंट के Q1 Q2 बाई R, K क्या है कॉन्स्टेंट है, कैसा कॉन्स्टेंट है क्या कह सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हम क्या बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोथ दो चार्ज q1 q2 r डिस्टेंस पे है, q1 ड्यू टू q2 के कारण रिपल्सन करेगा फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, q2 q1 की वजह से रिपल्सन करेगा तो फोर्स बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि टू चार्जेस ऑफ सेम साइन दैट इज रिपल्स ईच अदर, तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर जाएगा। टू चार्जेस ऑफ द डिफरेंट साइन दैट इज अट्रैक्ट, q1 q2 प्लस माइनस r डिस्टेंस पे, तो q1 दैट इज f1 दैट इज f2, ठीक है। k क्या है कोफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, k की वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्योंकि 9×10^9 होती है, 9×10^9 भी किसी के इक्वल मार है, किससे इसकी बात करते हैं इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या बना, एफ इक्वल के q1 q2 बाई r स्क्वायर, k की वैल्यू क्या है 9×10^9 और k किसके इक्वल होता है 1/4πε, ठीक एप्सिलॉन, ये क्या है परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब समझ आया आपको, परमिट करना किसी को अलाउ करना कि दोनों के बीच में फोर्स लग सकता है, इसकी ये परमिट देता है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा क्योंकि यहां पर के इनवर्सली है, एप्सिलॉन की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो ये इंक्रीज करेगा और इसके इंक्रीज करने से फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो एफ इक्वल 1/4πε q1 q2 बाई r, ये फॉर्मूला बना ठीक। एप्सिलॉन ये किसके लिए है, बीच में क्या है मीडियम, मीडियम क्या है q1 और q2 That is F1 हो सकता है ये एयर में ना हो सकता है ये वाटर में ग्लास में, तो जो ग्लास वाटर है वो हमारा मीडियम है, अगर वो एयर की बात कर दिया
कि both are situated there, तो F equal 1 upon 4 pi epsilon naught, इसको क्या पढ़ते हैं, epsilon 0, जिसको physics में naught कहते हैं, तो Q1, Q2 upon R, तो F और F air लिखे, तो इसको F 0 पर, दोनों का डिलेशन निकालो, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो f अपॉन f जीरो, f अपॉन f जीरो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरा कौन सा कैंसिल, वन अपॉन x साइन, वन अपॉन x साइन ना, वन अपॉन x साइन अपॉन वन अपॉन x साइन ना तो f upon f naught equal epsilon naught upon epsilon. इसका मतलब है कि फोर्स f inversely proportional permittivity. तो permittivity क्या करेगी? Permittivity decrease करेगी, force increase करेगा. तो permittivity decrease करेगी, तो decrease सबसे छोटी किसके लिए? Air के लिए. तो एयर में फोर्स सबसे ज्यादा होगा, परमिटिविटी डिक्रीजेस देन एफ इंक्रीजेस. इसका मतलब है एयर का फोर्स मीडियम के फोर्स से हमेशा बड़ा होता है. मेरी बात समझे? कुछ बात कुछ कंफर्म हुई? एफ इक्वल के क्यूवन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इट इज ओबे इनवर्स स्क्वायर का. बोथ चार्ज आर पॉइंट चार्ज, बोथ चार्ज आर स्टेशनरी. तो के इक्वल क्या, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, इसके इक्वल होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी. परमिटिविटी क्या है? इट इज created a field between two charges which have permit to the force. ये दो चार्जों के बीच में एक फील्ड, ऐसी फील्ड बनाता है कि जो ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन फोर्स पे इफेक्ट डालती है. क्या इफेक्ट डालती है? मैंने मीडियम के लिए वर्क निकाल, एयर, एयर के लिए एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो की कुछ वैल्यू होती है, आगे बात करेंगे. तो दोनों का मैंने कंपेरिजन निकाला, तो यह फॉर्मूला. इसका मतलब है एफ अपॉन एफ नॉट इक्वल एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन. ठीक, इतनी बात समझिए. पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, फिर आगे इसकी बात करें. और करिए इसका फर्क क्या पड़ता है. मैंने कहा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको कुछ लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी. के एप्सिलॉन आर भी होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द
permittivity of free space. ठीक, इसका मतलब है कि epsilon r equal epsilon m upon epsilon naught भी निकाला जा सकता है. ठीक, फॉर्मूला देखिए क्या बना, f upon f naught equal epsilon naught upon epsilon. इसका मतलब इसका उल्टा, अगर हम यहां से एप्साइलन की वैल्यू निकाले तो एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट, तो एफ अपॉन एफ नॉट इक्वल एप्साइलन नॉट अपॉन में एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट. ये कैंसिल, उल्टा कर दीजिए, एप्साइलन आर इक्वल एफ नॉट बाई. ठीक, इसका मतलब है कि जिसकी परमिटिविटी जितने टाइम्स इंक्रीज करेगी उसका फोर्स उतने ही टाइम डिक्रीज करेगा. ठीक है, हम एयर की बात करते हैं तो हमने कहा एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पी वन होता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं. ठीक, सबसे मिनिमम. दूसरी बात, इतनी बात कंफर्म हो गई, आगे बात को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए. जिसकी परमिटिविटी जितने टाइम्स इंक्रीज करेगी उसका फोर्स डिक्रीज करना शुरू कर देगा. इसे आपने कहा एफ इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक, एप्सिलॉन की जगह हमने क्या पढ़ा, के और एप्साइलन आर इक्वल एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट. तो एप्साइलन इक्वल एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट. जरा वैल्यू में रखिए, इक्वेशन वन में रखिए, तो एफ इक्वल वन अपॉन फोर बाई एप्साइलन के प्लेस पे एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन. ठीक, ये फॉर्मूला वापस कूलॉम्ब्स लॉ में क्या किया गया कि दो चार्ज जो स्टेशनरी थे उनको आर डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया. लाइट चार्जेस थे तो रिपल्स कर रहे थे, रिपल्सन फोर्स था. अनलाइट चार्जेस थे तो अट्रैक्शन फोर्स था. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैव बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, रिपल्सन और अट्रैक्शन. सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ऐसा फोर्स है जिसमें हम अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की बात. क्या फॉर्मूला बना, एफ प्रोपोर्शनल क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. ठीक, अब यहां से हम नोट हो गया, जल्दी से नोट करें. एप्सिलॉन नॉट की कुछ वैल्यू होती है, जरा उसको देखिए. जो कि हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया था उसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻¹. एयर की बात करिए, के किसके इक्वल है, वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर. एयर में एप्साइलन आर की वैल्यू हो गई 1,
k क्या है 9 into 10 की पावर 9 equal 1 upon 4 pi epsilon naught. तो epsilon naught की वैल्यू देखिए, epsilon naught ये into में है, ठीक. तो 1 upon 9 into 10 की पावर 9 into 4 3.14. तो सॉल्व करें कितना आएगा 8.85 इनटू 10 की पावर माइनस, ठीक. क्या है कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है 8.85 इनटू 10 की पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक. हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. कूलॉम क्यूब आईटी, आईटी को हम लोग एटी कहते हैं. न्यूटन फोर्स एमएलटी माइनस टू और मीटर स्क्वायर है तो एल टू. सॉल्व करो एम माइनस वन एल थ्री हो गया L माइनस थ्री ये A2 हो गया T माइनस टू ऊपर गया T प्लस टू हो गया T प्लस फोर. ये हो गया डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉरी अगर हम कोफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें कोफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो k किसके इक्वल था 1 upon 4 pi epsilon या 1 upon 4 pi epsilon ना, इसी से आप चेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं. तो बताओ k की यूनिट क्या है, उल्टा इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. और डायमेंशन क्या है एम इनवर्स हट जाएगा एल थ्री ए माइनस टू टी माइनस फोर. तो ये आपका हुआ कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ का एग्जांपल देखिए, अगर आपसे कोई कह दे कि डेफिनेशन ऑफ वन कूलॉम बताइए, वन कूलॉम तो हम क्या करें, वन कूलॉम के दो चार्ज ने और दोनों को वन मीटर के सेपरेट, ठीक. कहां सेपरेशन लिया एयर, तो क्या फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू वाई आर स्क्वायर एफ इक्वल के हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर. एफ कितना है तो डेफिनेशन क्या बनी, वन कूलॉम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हेन टू चार्जेस ऑफ यूनिट आर सेपरेट एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट देन कूलॉम फोर्स इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन. दो यूनिट चार्ज को यूनिट डिस्टेंस पे रखें तो उसका फोर्स कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन होगा.
ये वन कूलॉम की डेफिनेशन है। दो यूनिट चार्जों को यूनिट डिस्टेंस पर रखें तो उनका फोर्स कितना होगा, 9 × 10⁻¹। तो इसका एक एग्जांपल देखें, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग अन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, हैविंग अन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज at distance of 0.9 meter, at distance of 0.90 meter in air, in air, after bringing them in contact with each other, after bringing them in contact each other, they are again placed at the same distance, they are again placed at same distance. Now the repulsion between the repulsion between 0.025 newton, calculate the final charge on each, calculate final charge on each. तो फॉर्मूला क्या है, F equal K Q1 Q2 by R। दोनों को क्वांटिटी मिला के अलग अलग रख दिया तो दोनों का चार्ज एक जैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कितना हम मालूम है। तो हम क्या कर लें, वो चार्ज सेम, K क्या है 1/4 πε₀ε₀ r, Q1 Q2 by R। एप्सिलॉन आर कितना है, 1 एयर में, तो F कितना है 0.025, 1/4 πε₀ कितना 9 × 10⁹, जो कि K के इक्वल होता है, Q1 Q2 सेम, Q2, R कितना 0.90, इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻¹, 9² 81 और -1 का -2, तो 9 जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करें 0.025 × 9 × 10⁻¹ अपॉन में 10⁹ इक्वल Q2। तो 9 5 हो गया, 9 × 18 18 × 4 225 हो गया, ठीक 1 2 3 10⁻², ऊपर गया 10⁻⁹, −9 −2 से ऐड हो गया −11 = Q2। क्या लिख सकते हैं उसको बताइए, इसको उधर कर लीजिए 2.25 10⁻²= Q2 और 15² 225 होता है तो ये 1.5, तो Q = ±1.5 और −12 का आगे −6, तो आंसर Q क्या क्या बना ±1.5 μ³।
दोनों का चार्ज कितना हो गया प्लस माइनस, एक का प्लस 1.5 माइक्रो कूलम, दूसरा का दूसरे का माइनस का 1.5 माइक्रो कूलम। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को रोकें नहीं, उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। कल फिर मिलेंगे, कूलॉम का वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन ला और कुछ इसके अच्छे न्यूमेरिकलों के साथ। धन्यवाद।